नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 2 ने रचा इतिहास। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है चंद्रयान 2 ने, बहुत बड़ी जानकारी दी है, जिसके चलते आपके सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, बस आप लोग पेशेंस रखिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी अभी जानकारी मिल रही है चंद्रयान 2 ने बहुत बड़ा काम किया है, चांद पर बहुत बड़ी जानकारी इकट्ठा करके इसरो को दी है। इसरो के वैज्ञानिकों में बहुत बड़ी खुशखबरी की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बहुत समय से उठ रहे होंगे कि चांद पर दाग क्यों है। इसका जवाब हमारे चंद्रयान 2 ने दिया है। चांद के आसमान में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे दोहरी तीव्रता वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR ने जो तस्वीरें जुटाई हैं, उसका आकलन करने पर पता चला है कि अपने विकास के समय से ही चांद की सतह पर लगातार उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की जबरदस्त बमबारी हुई। इसी के चलते चांद की सतह पर अनगिनत संख्या में विशाल गड्ढे बन गए। ये गड्ढे गोलाकार और विशाल कटोरे की शक्लों में हैं। इनमें से कई छोटे सामान्य तो कई बड़े और छल्लेदार भी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजे चांद के राज खंगोलने में जुटे चंद्रयान 2 के रडार ने यह भी जानकारी जुटाई है कि ज्वालामुखी वाले गड्ढों के बनने की वजह से चांद में अंदरूनी टकराव और विस्फोट हैं। चंद्रयान 2 के उन्नत कैमरों ने गड्ढों के भौतिक बनावट की तस्वीरें भी लेने में कामयाबी पाई है। चंद्रयान 2 के SAR रडार एक ताकतवर रिमोट सेंसिंग उपकरण है जो किसी गृह सतह और उसके भीतरी हिस्से की बनावट की पड़ताल कर पाने में सक्षम है। इस उपकरण में यह क्षमता है कि इसका रडार जो सिग्नल भेजता है वह चांद की सतह के भीतर तक पहुंचकर जानकारी जुटाता है। यह सतह की उबड़ खाबड़ बनावट संरचना और इसके बनने में किन तत्वों और पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है, इसका भी अध्ययन करने में सक्षम है। अब चंद्रयान 2 के रडार ने चांद की बनावट की व्यापक तस्वीर पेश की है और क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं से चांद की सतह पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। पहली तस्वीर से क्या निष्कर्ष निकला है ये जान लेते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की एल बैंड कैमरे से ली गई तस्वीर में कुछ यूं उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं की बमबारी से बने गड्ढे लाल रंग से दर्शाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि सतह पर नियमित अंतराल पर विशालकाय पिंडों की बौछारें पड़ी। वहीं नीले रंग से यह दर्शाया गया है कि सतह पर रुक रुक कर पिंडों की बारिश हुई, जबकि हरे रंग से यह दर्शाया गया है कि व्यापक मात्रा में पिंडों की बमबारी हुई। दूसरी तस्वीर क्या बयां करती है जान लेते हैं। किस तरह दक्षिणी ध्रुव पर अलग अलग वक्त में इन गड्ढों का निर्माण हुआ। दक्षिणी ध्रुव पर चांद की सतह पर बने गड्ढों से हर ओर पिंडों की बौछारों के निशान हैं। गड्ढों की दीवारें आकर्षक रूप में नजर आ रही हैं। उसकी अंदरूनी दीवारें भी अलग अलग वक्त में बमबारी की कहानी बयां करती हैं। तो दोस्तों, ऐसे अपडेट जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहिए। हम चंद्रयान 2 से जुड़ी हर जानकारी पल पल की आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।